नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। और अब वक्त है एशियन रफ्तार का। बीना में रेलवे कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट है बंद, यात्रियों को गुजरने में हो रही परेशानी, पार्षद भी करा चुके हैं अधिकारियों को अवगत, महिलाएं करती है यहां पर असुरक्षित महसूस। सागर में कांग्रेस प्रवक्ता ने ली प्रेस वार्ता, भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस ने रखा अपना विजन, युवाओं को रोजगार देने पर किया फोकस। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरा नामांकन, प्रसिद्ध टेकरी सरकार मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जगह जगह स्वागत, शिवपुरी में पहुंचे सीएम और प्रदेश अध्यक्ष। नरसिंहपुर में रेडियो स्टार का प्रभारी को किया निलंबित, सोशल मीडिया पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट, चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन, कांग्रेस ने की थी शिकायत। उमरिया में अल्प प्रवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम, उमरिया भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, माता बिरसानी का लिया आशीर्वाद, भाजपा की बहुमत से जिताने का किया आह्वान। भोपाल में महाअष्टमी पर हुआ महागौरी का पूजन, माता को चढ़ाई जाती आवश्यक सामग्री, हेचेल फाउंडेशन चला रहा विशेष मुहिम, जरूरतमंदों को बांटी जाती है सामग्री। धार में भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे जारी, अष्टमी पर हवन पूजन के साथ हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, परिसर के कुछ क्षेत्र में खुदाई कर एरिया को चिन्हित किया गया, हवन कुंड से मिट्टी हटाई, टीम द्वारा स्तंभों की सफाई की गई। सावेर में 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ हुआ प्रारंभ, नगर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। इंदौर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर, लगातार लोगों को मतदान के लिए कर रहे जागरूक, निजी स्कूल द्वारा निकलते रहे पर हस्ताक्षर किए, प्रतिशत मतदान के लिए लोगों से अपील। इंदौर में निगमायुक्त द्वारा सफाई व्यवस्था वह जीटीएस का किया निरीक्षण, जीटीएस में अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश। भविष्यवाणी में छिंदवाड़ा से जीत गई भाजपा, बाबा ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर दिया दावा, अब की बार 4 लाख से जीतेंगे बंटी साहू, बाबा का कहना भोलेनाथ ने दिए संकेत। इंदौर में स्वीप अभियान के तहत तो सिटी बस ऑफिस में हुई बैठक, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ प्रशासन की बैठक, मतदान के संबंध में संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की। बालाघाट में मतदाता जागरूकता हेतु मानव श्रृंखला बनाई, नवाचार के माध्यम से किया जा रहा जागरूक, स्वीप अभियान के तहत कई कार्यक्रम हुए, महिलाओं ने जागरूकता रैली भी निकाली। मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव, कई जिलों में घोषित किया ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों रहेंगे आइसोलेटेड। मालदौर में माँ वैष्णो देवी मंदिर में लगाया 56 भोग, युवा नेता अभिराज सिंह ने की माता की आरती, श्रद्धालुओं के बीच किया प्रसादी का वितरण। पुनासा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रकोट उत्सव मनाया, शाखा के शारीरिक कार्यक्रमों का किया प्रदर्शन, अतिथियों ने किया स्वयं सेवक को संबोधित, शाखा के कार्यों से कराया गया अवगत। सागर में रानगीर सिद्ध माता मंदिर पहुंचे कलेक्टर, माता हर सिद्ध की पूजा अर्चना की, मेला स्थल का किया निरीक्षण, सीसीटीवी से निगरानी रखने के दिए निर्देश। छतरपुर में सहकारिता निरीक्षक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, लोकायुक्त ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार, समिति प्रबंधक से ज्वाइन कराने की मांगी थी रिश्वत, 20,000 की रिश्वत लेते घर से पकड़ाए। चंदेरी में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और पर्यटन को दे रहे बढ़ावा, मध्य प्रदेश की पुरातात्विक धरोहर को सोशल प्लेटफॉर्म पर कर रहे प्रमोट। छतरपुर में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जनसंवाद किया, युवाओं के मन में क्या चल रहा है उस पर भी बात की, छात्र छात्राओं के प्रश्नों का दिया जवाब, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का किया आह्वान। आलोट में माता को चढ़ाई गई 151 फीट की चुनरी, शीतला माता को चढ़ाई चुनरी, सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे भक्त, नगर भ्रमण कर यात्रा पहुंची मंदिर। पुनासा में सिंगाजी ताप परियोजना ने विद्युत उत्पादन में इतिहास रचा, चारों इकाइयों ने वर्ष 2023-24 में रचा कीर्तिमान, 14,930 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन किया। शहडोल में चुनावी घमासान, भाजपा कांग्रेस के प्रचारकों ने पकड़ा मैदान, कहा कमलनाथ के यहाँ कार्रवाई में पूरी दाल निकाली है, कांग्रेस ने कहा भाजपा मुक्त देश बनाना है। छिंदवाड़ा में अमित शाह का रोड शो, लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा पर पूरा फोकस, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर यातायात व्यवस्था बदली, बाहर से आने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन। दमोह के गुंडलपुर में लाखों लोगों का आगमन, आचार्य पदारोहण के साथ ही बनेंगे लाखों लोग, विद्यासागर महाराज का पदारोहण महोत्सव। खरगोन में ईवीएम का बहुजन क्रांति मोर्चा ने किया विरोध, पेपर से चुनाव कराने की मांग, मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम सौंपा ज्ञापन, लोकतांत्रिक प्रणाली को सुरक्षित करने की मांग। फिलहाल एशियन रफ्तार में इतना ही, आप देखते रहिए एशियन भारत।